नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत का दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना गौरव की बात। देहरादून में दीक्षांत समारोह में छात्रों से नव भारत के निर्माण में भागीदारी करने का किया आह्वान। प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों को खरीद के बाद 3 दिन के अंदर भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना से कई परिवारों में आई खुशहाली। बागेश्वर में अब तक 135 लोगों को मिले पक्के मकान। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में आई हल्की गिरावट। अगले 36 घंटों में देहरादून समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करते समय कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई, लेकिन अब ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास की भावना ही सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने छात्रों को अपनी माता, जन्मभूमि, मातृभाषा और गुरु का हमेशा सम्मान करने और नव भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में देश का मान बढ़ा है, इन अवसरों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में करना चाहिए। श्री नायडू ने शिक्षा को रोचक के साथ ही नए ज्ञान और तकनीक के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को कुछ समय गांवों में बिताने और स्वच्छ भारत आदि राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा कि आज एलपीजी का युग है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। द वर्ल्ड इज मूविंग फास्टर, देयर इज ह्यूज कंपटीशन नाउ, वी आर लिविंग इन एरा ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. You have so many opportunities as well as so many challenges before you. You have WTO, the new trade regime. You also have a challenge of climate change. You also have now the new trend of protectionism in different countries. So keeping all these things fine, the universities of India, they must really educate and train students in such a manner to understand and also adapt to the changes and also accept the challenge and to be in the forefront of the movement forward. As we are all aware, India is on the threshold of emerging as a major economic power. Yesterday's newspaper suggests that India has become the 6th largest economy in the world. It's a proud moment for all. The Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi is leading from the front. कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल डॉ. कृष्णकांत पॉल ने कहा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण क्लासरूम में होता है और वहीं से राष्ट्र निर्माण भी होता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जो युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छात्रों को चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति में देश को बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने युवा स्नातकों से अपेक्षा की कि वे अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से समाज के हित में बेहतर काम करेंगे। अब हमें अपने जीवन के और अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का यह मौका है। यह सच है कि यह बहुत खुशी का मौका है, लेकिन हम इसे चुनौती के रूप में भी ले सकते हैं कि हमारे सम्मुख, हमारे देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, उनका भी हम सबको सामना करने का मौका मिल रहा है और हम इसको अपने लिए सुनहरा अवसर भी मान सकते हैं, सुनहरे अवसर के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सब विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं।
जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस स्थान में व्याकरण हो रहा है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने पिरूल से डीजा, पिरूल से यानी चीड़ की जो पत्तियां हैं पाइन नीडल्स, उससे डीजल, उससे तापमय और उससे ताकुल और उससे बिजली पैदा करने का एक महत्वपूर्ण काम हमारे इस वैज्ञानिकों ने किया। ये हमारे बड़े गर्व की बात। इस अवसर पर MBA, BTech, BBA, LLB और BEd के स्नातकों को 8 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल दिए गए। इसके साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 249 स्नातकों को उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने और किसानों को 3 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। खरीफ खरीद सत्र 2018-19 की सभी संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर तक सभी क्रय केंद्रों पर कांटों के साथ ही कंप्यूटर आदि की व्यवस्था करने, धान की खरीद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किए जाने के अलावा धान का मूल्य तत्काल करने के लिए सहकारिता विभाग को 50 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीद की ऑनलाइन व्यवस्था होने से किसानों को भुगतान में भी सुविधा रहेगी। श्री रावत ने इस वर्ष 10 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने व उधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा है। समीक्षा के दौरान श्री रावत ने 1 अगस्त से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के निर्देश दिए। गरीबों का पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है। बागेश्वर जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अभी तक आवासहीन और कच्चे घरों में गुजर बसर कर रहे 135 लोगों को पक्के मकान मुहैया करा दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिले में वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नगर पालिका क्षेत्र में 99 और ग्रामीण क्षेत्र में 150 पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। नगर पालिका में वर्तमान में 65 लोगों को आवास मिल गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 150 पात्रों में से अब तक 70 लोगों को आवास मुहैया हो गए हैं। 78 अन्य पात्रों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से लाभार्थी बेहद खुश हैं। आवास की वजह से जो थोड़ा सहायता मिला हमको, उसकी वजह से थोड़ा हमको छत मिल गया। छत मिला तो सर पक्का हो गया मेरा मकान, लेंटर वाला हो गया। इसकी वजह से हमको बहुत सहायता मिली। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको सहायता मिला। हमको अब मकान मिल गया, अच्छा ही लगा। जिस हमारे पहले कंडीशन थी, मकान 3 का था और क्या कहते हैं उसमें चुहता था, पानी आता था अंदर, सब पानी अंदर ही आता था, बहुत परेशानी रहती थी उस समय हमको। अब क्या कहते अच्छा हो गया मकान रहने को, अच्छा हो गया। तुलसी देवी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पिछले साल जून में आवेदन किया था। अक्टूबर में उनका पक्की छत वाला मकान बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे आवासों में गुजर बसर कर रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति की जाँच करने के बाद घर प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के बाद आज तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में दोपहर के समय हुई बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली, हालांकि इस दौरान आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश होती रहेगी। विभाग ने अगले 36 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। असामान्य मौसम और भारी बारिश की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन की अनुमति न देने को भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 15 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ जिले में उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने भी विदेश मंत्रालय से 5 सीटर वाले 5 अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों की मांग की है, ताकि धारचूला से बूंदी तक यात्रियों को पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि खराब मौसम के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। यात्रा का 7वां दल पिथौरागढ़ में रुका हुआ है, वहीं 3रे और 4थे दल को गुंजी में रोका गया है। यात्रा का 8वां दल इस समय अल्मोड़ा में रुका हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा सुचारू हो जाएगी।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए याचिका दायर करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता को याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने और आम लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। इस संबंध में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, खजान दास, हरबंस कपूर, उमेश शर्मा, पूरन फर्त्याल, सुरेंद्र सिंह नेगी, सुनील गामा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। प्रदेश में साहसिक खेलों की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग अगले महीने साहसिक खेलों से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाएगा। इसमें साहसिक पर्यटन से संबंधित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सामग्रियों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वो इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। इससे प्रदेश में उद्यमियों को लाभ मिलेगा और राज्य में पर्यटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस आयोजन के दौरान एडवेंचर क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्रियों, उपकरणों और स्पोर्ट्स वेयर, ट्रैकिंग, टेंटिंग और कैंपिंग इक्विपमेंट्स के साथ ही अन्य खेलों से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय उद्यमियों को भी इस उभरते क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। पौड़ी जिले के धुमाकोट बस हादसे के बाद न्यायपालिका और राज्य सरकार ने यातायात नियमों को सख्त कर दिया है और इनके सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग में परिवहन विभाग ने न्यायालय द्वारा जारी किए गए यातायात नियमों की जानकारी सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के वाहन चालकों और संचालकों को भी दी। संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने बताया कि मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग, सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी की जाएगी। देखिए, धुमाकोट एक्सीडेंट के बाद हाई कोर्ट ने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे प्रमुख दिशा निर्देश यह है कि 6 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताए हैं, ओवरलोडिंग गुड्स व्हीकल में, और गुड्स व्हीकल में पैसेंजर ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना गाड़ी चलाने के समय, और ड्रिंक एंड ड्राइव। ऐसे 6 मामलों में पहले लाइसेंस सस्पेंड होता था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि परिवहन विभाग ऐसे मामलों में चालान करने के साथ साथ FIR भी दर्ज करेगा संबंधित चालक और मालिक के। तो हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम प्रवर्तन की कार्रवाई कठोर करें। उससे पहले जितनी भी टैक्सी यूनियनें हैं उनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए ताकि वे अपने सभी चालकों को इसके बारे में बताएं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत का दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना गौरव की बात। देहरादून में दीक्षांत समारोह में छात्रों से नव भारत के निर्माण में भागीदारी करने का किया आह्वान। प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों को खरीद के बाद 3 दिन के अंदर भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना से कई परिवारों में आई खुशहाली। बागेश्वर में अब तक 135 लोगों को मिले पक्के मकान। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में आई हल्की गिरावट। अगले 36 घंटों में देहरादून समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।